मुझे लगता है, और इस पर थोरो इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस चीज की रिक्वेस्ट की है कि ऐसा लगता है कि ये कल खालिस्तानियों का सीमा के उस पार से प्रधानमंत्री के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन डे था, और इसमें कौन जिम्मेदार था इसके ऊपर इंक्वायरी की आवश्यकता है, क्योंकि आप दो तीन चीजें कि वो जो क्षेत्र था, एक तो वो बॉर्डर से लगा हुआ था, हमको पता है कि पाकिस्तान से पिछले कुछ समय से लगातार ड्रोन्स आ रहे हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि जम्मू में जो हमारी वायुसेना के ठिकाने पर हमला हुआ था उसमें ड्रोन से जो विस्फोटक था वो ड्रॉप किया। तो 18-20 मिनट जब प्रधानमंत्री महोदय एक्सपोज्ड थे, और एक्सपोज्ड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस गाड़ी में वो थे वो इस प्रकार के नहीं थी कि वो एंटी रॉकेट एंटी मिसाइल वो सब कुछ हो, तो उसपे यदि सीमा के उस पार से या कोई खालिस्तानी के माध्यम से कोई ड्रोन से कुछ यदि ड्रॉप एक्सप्लोजिव होता तो क्या हो सकता था, आप खुद समझते हैं। दूसरी बात, एक प्रोटोकॉल होता है। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं, यदि वो एयर से भी जाते हैं तो अल्टरनेटिव रूट बनाई जाती है, जिस रूट से जाते हैं यदि वहां कुछ समस्या होती है तो भी अल्टरनेटिव मार्ग क्या होगा वो पहले से एज पर प्रोटोकॉल किया जाता है, और जो पूरा एरियाज होते हैं उसको उसका सैनिटाइजेशन किया जाता है। अभी कुछ देर पहले मैं एक प्रदर्शनकारी जो वहां पे थे उसका वीडियो देख रहा था मैं एक नेशनल न्यूज चैनल पर, तो उनका ये कहना था कि पुलिस वालों ने हमको कहा कि यहाँ मोदी निकलेंगे, तो जो रूट थी वो क्यों एक्सपोज की गई, ये बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह उठते हैं। मत भूलिए, आज एक और वीडियो आया है, विदेश में बैठा है खालिस्तानी जिसमें जो श्रेय लेने की कोशिश कर चीजों की, आंदोलन हुए इस तरह की चीजों की, गोपाल चावला जैसे लोग बॉर्डर के उस पार है जो लगातार पंजाब को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये केवल पॉलिटिकली सेंसिटिव ही नहीं है, ये देश सुरक्षा अखंडता के ऊपर भी एक घातक प्रयास हो सकता है। और मत भूलिए कि पंजाब को जलते हुए हमने देखा है अपने बचपन में, हम दूरदर्शन के जो सीरियल देखते थे वो भी हमको आज भी हमारी स्मृति में है कि क्या हालात बने थे पंजाब में। और मैं बहुत लंबे अरसे से एक बात कह रहा हूं मित्र, कि पंजाब जो है ना बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि आप देखिए कि लगातार इंसिडेंसेस हो रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जी जिस प्रकार की बातें करते हैं वो अपीजमेंट है जो वहां पर चरमपंथी एलिमेंट है उनका। आप आम आदमी पार्टी को भी देखेंगे तो आम आदमी पार्टी भी जो चरमपंथी एलिमेंट्स को साथ लेके चल रही है, और अभी रिसेंट में हमने चीजें देखी कि किसी का हाथ पांव काट दिए, किसी को टांग दिया, किसी को बेअदबी के नाम पर हर चीज के लिए कानून उपलब्ध है मार मार के मार डाला। तो ये जो एक एलिमेंट्स हैं जो चरमपंथी एलिमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण भी मिल रहा है, जिस तरह से जब अभी जो लिंचिंग हुई थी बेअदबी के नाम पर उसके बाद सिद्धू ने क्या बोला कि ऐसे लोगों को सजाए मौत ओपन में देनी चाहिए। तो भैया सजाए मौत ओपन में तो अब चीन में और सऊदी अरब में भी नहीं मिलती है, तो हम पंजाब को किस तरफ धकेल रहे हैं इसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। मुझे लगता है जिक्र हो रहा है भीमा कोरेगांव में जब हिंसा हुई थी उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी, महाराष्ट्र पुलिस ने भीमा कोरेगांव के जो दोषी थे उनके पास से एक पत्र बरामद किया था कि राजीव गांधी की तरह ही किसी रोड शो में पीएम मोदी की भी हत्या की साजिश रची गई थी। उस पत्र का अब क्यों जिक्र हो रहा है, हमारे एक पैनलिस्ट ने पूछा है कि उस पत्र का इस वाक्य से क्यों कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। नहीं देखिए, इन सब चीजों को आपको मिलाकर देखना ही पड़ेगा सब चीजों को, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे भी जिसको रेड कॉरिडोर कहते हैं, मैं जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस एनालिसिस का भी छात्र हूं इसलिए मैं इन चीजों पर ज्यादा बात कर रहा हूं, कि जिसको रेड कॉरिडोर तथाकथित रूप से कहा जाता है कि जो चीन कभी कुछ दुस्साहस करे तो उसको वहां से सपोर्ट मिले, ऐसे कुछ लोग जो अतिवादी लेफ्टिस्ट हैं वो उसको प्लान करते हैं। और आप ये देखिए कि उन सब क्षेत्रों में भी हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की बार बार लगातार कोशिश होती है, और यदि उसके साथ में ISI के भी एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो तो दोनों तरफ से भारत को तकलीफ नुकसान करने की एक कोशिश तो लगातार चलती है, उसके विषय में बात भी करना आवश्यक होता है। आप बताइए, मैं व्यूअर्स पे हमको बहुत सारे लोग देख रहे हैं उनसे ही पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान जहां जहां भी खनिज है
वहां वहां पर लेफ्ट विंग, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग इंसर्जेंसी है। क्या हम नहीं समझते कि कौन देश नहीं चाहता है कि भारत संपन्न हो इन खनिजों का उपयोग है? आप उठा के देख लीजिए, जहां खनिज है वहां एक्सट्रीम विंग इंसर्जेंसी होती है, तो वह उनको सपोर्ट होता है जो चीन का होता है। हम ये भी जानते हैं अभी जो खालिस्तानियों को जो लोग जागृत करना है उनको ISI का समर्थन है, कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानियों का है, ब्रिटेन में खालिस्तानियों का है। और आप क्या भूल गए कुछ महीनों पहले जो बात हुई थी कि इंदिरा नारे लगते थे, इंदिरा ठोकरी क्या है? तो थोड़ा सा साहब आप राजभरे जाकर राष्ट्र नीति पर बात करो, आपका जो है ना दिमाग खुल जाएगा क्या चल रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। जी जवाब ले।